बारिश ने ढाया 40 गांव पर कहर, सैलाब की वजह से 10 लोगों की मौत, 600 जानवर बह गए। मुंबई के अलावा कई जगहों पर चट्टाने खिसकने का वाकया। आदाब, मैं फरहत शरीफ, लंद्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले रोज से जारी सैलाबी बारिश ने 40 गांव पर कहर बरपा किया, जहां पर सैलाबी बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि इस सैलाब में 600 जानवरों के बह जाने की भी खबर है। इस तालुके के कई देहात पानी में डूब गए, जहां काफी नुकसान हुआ है। यहां पर सैलाब की वजह से सड़कों और आने जाने के लिए ट्रैफिक का जो सिस्टम धरहम बरहम हुआ है, उसे सुधारने का काम शुरू है। यहाँ के घाटों में मिट्टी के तोदे गिरने से जो सड़कें खराब हुई, उनकी साफ सफाई का काम भी जारी है। इसी तरह औरंगाबाद के धूल हाईवे पर कन्नड़ा घाट में लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई गाड़ियां मिट्टी में फंसी हुई है, सड़क मुकम्मल तौर पर बंद है, कई शहरी घाटों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर लोगों की मदद का काम जारी है। वैसे बारिश की वजह से सभी कामों में मुश्किल हो रही है। मुंबई में भी बारिश का कहर जारी रहा। ट्रैफिक और ट्रेनों का निजाम सुबह से ही दरहम बरहम रहा। कई जगह दरख्त गिरने और शॉर्ट सर्किट होने की भी खबरें मिली। मुंबई में शॉर्ट सर्किट के 4 वाकयात हुए, जहां कोई जख्मी नहीं हुआ, मगर साकीना का कुर्ला में चट्टान खिसकने से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे राजावाड़ी अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी तरह 3 जगह दरख्त गिरने के वाकयात भी हुए। मुंबई के अलावा विदर्भ, कोकण, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों, अकोला, अमरावती, बरहमपुर, नागपुर, जलगांव, महाबलेश्वर, रत्नागिरी और परभनी में भी जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों तक रियासत के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने का इम्कान है। मुंबई के अलावा थाने, रायगढ़, पालघर, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड़ के अलावा कोकण के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज, मुंबई।